मिले, पिताजी से प्यार मिले, दादा से मर्यादा मिले, नेह बहन भाई से मिले, कवन घराना कैसन तेवर कैसन के कर पानी, भोला हर इंसान के लहू में भी असर खानदानी, आन से भी न्यारा खानदान, चान से भी प्यारा खानदान। चाहे पीएम हो खा अफसर नूरानी, नाम खानदान से ही लोग पहचाने, जियला भर तो हो राके दुनिया बखाने, मुआला पर दे परिवार पिंडा पानी, चाहकत बिहसत रहे लोगवा मिटे नहीं निशानी, भोला हर इंसान के लहू में भी असर खानदानी, आन से भी न्यारा खानदान, जान से भी प्यारा खानदान, 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 खानदान। दादाजी बैठ। राज, लैका वाला की तरफ से बहुत हेवी डिमांड आयल बा, तू लोग के भी पता हुए। जय प्रताप की माली हालत का बा, बात तू लोग से छिपल नहीं खे, ऐसन में परिवार की तरफ से का मदद हुई जय प्रताप के, ये सोच के बतावा। बाबूजी, हमने भी तो अपना घर गृहस्थी कोनो तरह से बस खींच ही रहल बानी। बाबूजी, इधर ठेकेदारी के काम भी सब ठप पड़ल बा, बाकी बिजनेस में भी नुकसान उठावे पड़ल हो। एकर का मतलब समझी? कहा चाहता रह लोग जय प्रताप के बीच मझधार में छोड़ दी? बाबूजी, हम तो कहब के उनके हिस्सा के जमीन के बेच दी और उहे पैसा से जय प्रताप भैया अपना बिटिया के ब्याह कर दी। चुप रह। अब ई दिन आ गई कि खेत बेच के बेटी के ब्याह हुई खानदान में। जी, अब स्नेहा बिटिया के ब्याह तो रुके के ना चाहिए, अब वो खातिर थोड़ा बहुत जमीन बेचे के पड़े। तो जनक, ये जमीन जायदाद खानदानी है, बाप दादा के अर्जल, ओकरा बेचे के अधिकार केकरो नहीं के। रहल बात स्नेहा के ब्याह के, वो भी ना रुके के चाहिए। जैसे जय प्रताप की बेटी, ऐसे ही राज प्रताप की बेटी, दोनों भाई बैठ के पैसा के इंतजाम कर लोग। जाई और जाकर अपना भाई से कह दी कि 10 लाख दमा चाहिए ना तो पैसा के इंतजाम करस, यहां कोनो कारू के खजाना खोल के नहीं खे रख ले।
आई बंटी, ये पंडित जी खाती चाय मंगवा। अरे ना महाराज, अभी छोड़ी वो सब, पहले मेन पॉइंट पे आई, बात कर लेल जाओ। राघवेंद्र बाबू का कहले? राघवेंद्र बाबू तो तैयारे भरे हैं, उनकरा तरफ से कोनो आरंगा नहीं खे। लड़का के मतारी का कहता री पंडित जी? लड़का के मतारिये के तरफ से दिक्कत हो रहल बा। कहे का कहली हो? कहत रहे कि लड़की के रंग तनी मलीन बा, लड़का के दुल्हन सुंदर ना मिली तो आगे के खानदान हमार खराब हो जाए। जैसे कि यह एगो बात बा, बड़का खानदान वाला बनल बालो बुझाता, उनकर बेटा जैसे इंद्र भगवान के अवतार होवर। जायदा जकरा जे बुझाए से कहे कहे जायदी, हमार बेटी कोनो गनौरा से नखे निकल के आई, बियाह ना करे के रहे तो ना करतन। ये बेटी के रंग रूप के बहाना करके छाटे वाला बात हम ना बर्दाश्त करे। पहले तो दहेज के भारी भरकम मांग कैलन, जैसे कि उनका बेटा कोनो लॉर्ड गवर्नर बने, ओकर बाद। अब चुप रह तू। काहे चुप रही? एकरा बहिन के जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता, आई चुप रही। ओकनी के तो पैसा के कुत्ता बड़ा सन, बड़ाइल बड़न हमरा बेटी पर उंगली उठाए वाला। जे बस की जजमान है ने, लड़का वाला के तो आदते हो खेला चार गो नखरा दिखावे के, एकरा में कोनो का कर सकेला। लड़की के जन्म लेहल कोनो पाप ना पंडित जी, कि लड़का वाला के झूठ सांच हमनी के बर्दाश्त करत रहब सन। उ लोग जोन हमरा बेटी के साथे कैले बानू, भगवान उ लोग के कहियो माफ ना करी, ई हमर श्राप है। देखी जे बस की हमरा के गलत मत समझब, ये में हमार कोनो दोष नहीं खे। अच्छा तो हम चलत है, जय श्री राम। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम जी। हाँ जी हाँ। बंटी बारी तक छोड़ गया। हम रुआ से पहले ही कहले रही कि घर पर बेटी के मत दिखाई, कर देनी नू हमरा बेटी के नाच रुआ। शादी बियाह में बिचवान के काम बड़ा खतरनाक होला, इन्हों से गाली सुना, उन्हों से गाली सुना। प्रणाम पंडित जी। जियत रहो। अरे जनक बाबू। अरे कौची बबड़ाते हुए जा रहे हैं, इधर आइए। अरे नहीं जनक बाबू, जब ऐसे कि थोड़ा जल्दी में थे। अरे आप तो हर समय जल्दी में रहते हैं, आइए एक ठो इधरो चाय पी के जाइए। बड़ा झटपट चाय बन गई, पहले ही से बना रहेगा। अरे नहीं नहीं पंडित जी, इमरजेंसी सेवा खाते घर में मशीन लग गया है। और कहिया डेट रखवा रहा है हमरे भगनी के बियाह का? अब जे बसे कि हम तो अपना तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़े हैं, बाकी बाकी का लड़का वाला कोनो अड़ंगा डाल रहा है का? जैसे कि लड़का वाला के नाच रखना तो आप जानबे करते हैं, छोट मोट बात में मीन मेख निकालते रहता है। का हुआ, लड़की में कोनो दोष निकाल रहा है का सब? अब जैसे कि आप तो लड़की के फैमिली से हैं, आपको का छुपाना, लड़की उन लोगों को पसंद नहीं है। का बात कर रहे हैं, उन लोग इतना बड़का आदमी हो गया कि ई घर के लड़की पसंद नहीं? छोड़िए, मारिए गोली और खोजिए दूसरा लड़का। जब ऐसे कि हम आज से खोज शुरू कर देते हैं। हाँ लग जाइए, यहाँ लड़का कोनो कमी है? अरे यहाँ तो पैसा फेंकिए और तमाशा देखिए, पैसा फेंकिएगा तो एक से एक लड़का लाइन में खड़ा हो जाएगा। अच्छा तो जब ऐसे कि अब इजाजत दी, जय राम जी की। जी जी जी, जय राम जी की। चली चली। प्रणाम पंडित जी। जियत रहा।
लड़की मांगलिक है चतुरानंद झा, दरवा के पसीना छूट जाए अगर ब्याह करवावे में, और जनक के तीर कब खाली जाता है। अरे वो बंटी इंतजार कर रहा था, जाके खाना खिला दो। हम समझता नहीं तोरा पे का भी तरह बा। देखा अपन दिल छोटा मत कर, बेटी अपन नसीब लेके आ गया। अरे ओकर जहां ब्याह लिखल हो वहीं होई। मालूम बा, बाकी मतारी है, हम अपना करेजा के टुकड़ा पर कैसे आ जावे दे। हमरा फूल जैसन बेटी पर रंग रूप के दाग लगा के छांट देला सर। अरे रूप रंग तो एको बहाना, लड़का वाला के मुंह मांगा पैसा मांगे के तरीका देख लू ना। पंडित जी का कहले वो लोग दान दहेज में कोनो समझौता ना करी, एकरे कहल जाला अपन उल्लू सीधा करना। आज कोई 20 लाख दी तो कानी वो लड़की से ब्याह कर ले। चाहे दी भगवान जोन करे लड़ अच्छे खाती करे लड़, पैसा के लोभी के हम अपना बेटी के ब्याह ना करें, ना तो हो जाए ओकर जिंदगी ना रख हो जाए। पता ना हमनी पे कौन ग्रह नक्षत्र पड़ल बा, भगवानो हमनी के नहीं खान सुनत। देखी रघुआ हमार बात मानी, रघुआ दूसर लड़का देखी, संसार में लड़का के कोनो कमी नहीं के। हमरा बेटी के भाग जहां लिखल हुई वहां जाई, बाकी वो घर में अब अपन बेटी हम ना दे। ऐसा ने लोग अपना पतोह के जरा के मार देला। तू ठीक कहा था, हम अपन बेटी खातिर कोनो दूसरा लगा देखा जहां मान सम्मान प्यार दुलार मिले। जा बंटी के ख्याल। हम तो पहले ही कह देले रहे कि ई ब्याह ना होए, आदमी के अपन औकात में रहे के चाहिए, जैसन बेटी वैसन लड़का देखे के चाहिए। जिया जी कैसन बढ़िया लड़का खोज ले रहे, ट्यूशन पढ़ावत रहे, चार गो पैसा कमात रहे, अरे रहे के घर ना रहे तो कब है। ना ना उनका तो डॉक्टर इंजीनियर दामाद चाहिए, हवेली वाला। हवेली वाला मिल गया, हवेली वाला चाहे दे हमने के का लेवे देवे के। लोग बेटी पैदा कर ले बा तो करो लोग अपन बेटी के ब्याह, हमनी के कौनो चिंता नहीं के। हम तो अपन बेटी के ब्याह करके निश्चिंत हो गई नी बस। बहुत चिंता के विषय है, लड़की देख के वो लोग शादी से इनकार कर देलस। अब बाबूजी हम का करें, हमरा से केहू सलाह मशवरा करबे ना करे लोग। बाबूजी हमरा ते विचार रहा कि लड़की दिखावे के पहले सब बातचीत तय हो जाए। अब पता नहीं जाए कि का बुझाई कि लखन के साथे बैठ के अपने सब तय कर लेलन लोग। देख तू जैसे बात कर, दोनों भाई मिलके स्नेहा का ब्याह ठीक करा।
शादी ब्याह लेके दोनों भाइयों में ये तरह का मनमुटाव ठीक नहीं खे। अरे नहीं बाबूजी, ऐसा कोनो बात नहीं खे। बाकी हम जैसे कल है बात करे की कोशिश कर। ठीक बा, जा। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। जय, हमरा तो कुछ समझे भी नहीं आ रहा है, एकाएक पलट कैसे गया वो? देखो, कहने के लिए तो लोग कह रहा है कि लड़की का रंग मध्यम है। तो उसे कहा है? बेटा साला इंजीनियर का हो गया, साले को पता हो अंग्रेज चाहिए ना। रंग रूप तो बहाना है, कारण कुछ और होगा। कारण कुछ भी हो, वो परिवार में तो रिश्ता नहीं करना है। तुम्हारे भाभी का भी यही रहा है? वो तो ठीक है, बाकी असल बात का है ही पता था चले। ब्याह से इनकार करे के कारण कुछ और भी हो सकता है। कारण कुछ भी हो, देखो एक बात बताओ, पैसा कौड़ी के मामले में, संस्कार के मामले में हम कहीं से कम है क्या उससे? ये तो हम भी कह रहे हैं, जब सब चीज सही है तो रिश्ता काटने का मतलब क्या है? एक काम करो, चला राघवेंद्र बाबू से आमने सामने बात करते हैं। क्या हुआ, सोचने का लगे? ना हो, फिर से दरवाजा पर। बुढ़वक जैसा बात मत करो, लड़का के घर पे 10 बार चक्कर लगाना ही पड़ता है, इन्हें कहा है? चला हवा भाई। ए भैया, ड्राइवर बुला। आओ भाई, खाना खाने गया है क्या? प्रणाम रविंद्र बाबू। प्रणाम प्रणाम। आई बैठी। आज भोरे भोरे कैसे आना पे? प्यासा ली कुआं के पास आवेला सिंह साहब। अब हमनी लड़की वाला बानी तो 10 चक्कर तक काटा ही पड़ी ना। अरे ऐसा काहे कहत बानी? आई भीतर चल। अरे सुना तारू, देखा क्या आयल बा? आई आई बैठ। प्रणाम। बैठी, कहल जा राउड लोग के का सेवा करी? ऐसा कह के हमली के शर्मिंदा मत करी, सेवक तो हम लोग बानी। बैठी ना रो बोल। हाँ ठीक हो, बैठ। कमिश्नर साहब के फोन आए, हम बात करते हैं। हाँ प्रणाम प्रणाम। हाँ ठीक हो। ना ना, अरे बारात के स्वागत में कोई कमी ना होके के चाहिए। अरे सब मिला के 500 बाराती हुई हैं। हाँ हाँ ठीक बा, हम लेकर के मामा के भेज दे और इंतजाम बात देख ली है। ठीक बा, ओके। का कहत रहे वो लोग? उनका तरफ से 15 के डेट फाइनल भइल। अच्छा। कहत रहन कि अगला हफ्ता लड़का के छेका करेंगे। कहकत बिहसत रहे लोगवा मिटे नहीं निशानी, होला हर इंसान के लहू में भी असर खानदानी। आन
से भी न्यारा खानदान, जान से भी प्यारा खानदान।